हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ हमारे इंडिया के पावर सेक्टर के बारे में, वो किस तरीके से हमारे पावर सेक्टर को किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट क्लाइमेट चैलेंजेस को सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में बात कर रही है। तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आज की डेट में एक्चुअल पावर सिनेरियो क्या है। तो इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो है 388 गीगावाट्स। इसके अंदर 54% एनर्जी जो है, पावर जो है, वो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स के थ्रू जनरेट होती है और रेस्ट जो 46% है वो रेन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट्स के थ्रू जनरेट होती है। रेन्यूएबल एनर्जी का मतलब है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायोमास और जो भी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज हैं वो सब रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर आते हैं। बट कोल बेस्ड पावर प्लांट्स आज भी 54% एनर्जी डिमांड को हमारी उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, जिससे हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम जनरेट होती है और वो प्रॉब्लम है कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन की। तो एक साल में कम से कम 1.3 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड ये कोल बेस्ड पावर प्लांट्स जनरेट करते हैं और इससे हम सब जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड इसके अलावा जो भी इसके आगे रिजल्ट्स हैं वो सब हमें उन एनवायरमेंटल चेंजेस के थ्रू अफेक्ट कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक मिशन शुरू किया एंड दैट वॉज नोन एज जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, और आज की डेट में इसे हम नेशनल सोलर मिशन के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स के का एक मिला जुला एफर्ट है, और इसका जो इनिशियल टारगेट था वो था 20 गीगावाट्स। मतलब कि 20 गीगावाट्स का इंस्टॉलेशन करना है उन पावर प्लांट्स का जो कि रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पावर प्रोड्यूस करेंगे, और बाद में चल के इस टारगेट को बढ़ाकर 100 गीगावाट्स कर दिया गया था। अब हमारे इंडिया में हमें सनलाइट बहुत अच्छी अमाउंट में मिलती है, इसलिए इंडिया में वो पोटेंशियल है कि वो ग्लोबल लीडर बन सके सोलर एनर्जी में। सो दैट वॉज द एम टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन सोलर एनर्जी। और इसके अंदर जो हम कर सकते हैं वो है कि हम इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं और जो भी क्लाइमेट चेंजेस हैं उनके जो भी चैलेंजेस हैं उसको हम अच्छे से कैटर कर सकते हैं। अब आज की डेट में हमें ये जानना है कि नेशनल सोलर मिशन से हमें बेनिफिट क्या हुआ। मार्च 2010 में जो हमारी सोलर एनर्जी की जो कैपेसिटी थी वो थी 161 मेगावाट्स, और नेशनल सोलर मिशन के अंदर ये कैपेसिटी बढ़कर हुई 49 गीगावाट्स दिसंबर 2021 में। तो यहां से हमें एक इनिशिएटिव ये पता चला कि हमारी गवर्नमेंट ने सोलर एनर्जी के को लेकर बहुत सारे इस तरह के मिशंस को और इस तरह की एक्टिविटीज को अंडरटेक किया हुआ है। इस तरह की और भी कई इनिशिएटिव्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया हुआ है और उसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी। सो आई होप यहाँ पर आपको नेशनल सोलर मिशन के बारे में कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली है, एंड डू फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियोज, एंड थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।